बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सर हमने क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करने का कहा था कि यार मैं इसकी वीडियो आपको बना के दे दूंगा। ऑटम 2017 का क्वेश्चन है प्लैटिनम केमिकल्स के नाम से। आए जरा सर उसको मैं रीड कर रहा हूँ, सवाल आपके सामने होना चाहिए प्रेजेंट। ये कह रहे थे ना, प्रोडक्शन एट प्लैटिनम केमिकल्स इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस, प्रोसेस वन एंड प्रोसेस टू। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू द मंथ ऑफ ऑगस्ट 2017। एक महीने की इन्फॉर्मेशन है, दो प्रोसेसेस हैं, उनकी कॉस्ट दी हुई है आपको, नीचे आपको एक्चुअल प्रोडक्शन और सेल्स दी हुई है। प्रोसेस वन में आपको नजर आ रहा है कि आपके सर तीन प्रोडक्ट्स बने, दो जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, एक बाय प्रोडक्ट है। रिमेंबर दैट दिस बाय प्रोडक्ट इज क्रिएटेड फ्रॉम प्रोसेस वन। तो आपने इसकी स्क्रैप वैल्यू को या सेल्वेज वैल्यू को, जो एनआरवी है, उसको इसी प्रोसेस की कॉस्ट में से लेस करना है, ठीक है जी। फिर कह रहे जनाब हमारे पास जो प्रोडक्ट है जे वन और जे टू, इनके बारे में नीचे वो कह रहा है, जे वन जो है वो रिमार्क्स में कह रहा है कि वो 1200 रुपए का उसी वक्त बिक जाएगा पैकिंग कॉस्ट के बाद, ठीक है जी। जबकि जे टू जो है वो प्रोसेस टू में ट्रांसफर होगा, उससे एक नया प्रोडक्ट बनेगा जे प्लस। जे प्लस के बारे में वो कह रहा है कि सर हमने उसके 3400 यूनिट्स प्रोसेस, 3400 लीटर्स प्रोसेस किए, ठीक है जी, और हमने उसको 1400 रुपए में बेचा। जो बाय प्रोडक्ट है वो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे 500 रुपए पर लीटर का बिक जाएगा। सर प्रोसेस वन में कोई डब्ल्यू आई पी नहीं है, ना ओपनिंग ना क्लोजिंग। प्रोसेस टू में सर डब्ल्यू आई पी है क्लोजिंग 650 यूनिट्स का, 70% कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट। और अगर आप ऊपर कन्वर्जन कॉस्ट, प्रोसेस टू की कॉस्ट देखो, सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट आ रही है उसमें। मटेरियल्स आर इंट्रोड्यूस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस वन। सर हम वेटेड एवरेज इन्वेंटरी वैल्यूएशन मेथड यूज करते हैं, लेकिन सबसे अजीब बात यह कि ना ओपनिंग डब्ल्यू आई पी है ही नहीं इसके अंदर, तो वेटेड एवरेज का सवाल भी नहीं उठता कहीं पे। प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट आर ट्रीटेड एज अ रिडक्शन इन जॉइंट कॉस्ट, वो हमें पता है सर। जॉइंट कॉस्ट आर एलोकेटेड ऑन एन आर वी बेसिस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। एनआरवी निकालनी है सर तीनों प्रोडक्ट्स की, दोनों प्रोडक्ट्स की। इनफैक्ट नॉर्मल प्रोडक्शन लॉसेज इन बोथ प्रोसेसेस आर एस्टिमेटेड एट 10% ऑफ द इनपुट एंड आर इनकर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। रिमेंबर दैट जब भी लॉस बिगिनिंग पे आएगा, सिर्फ मटेरियल का लॉस होगा, सिर्फ मटेरियल का लॉस होगा, सिर्फ मटेरियल का लॉस होगा। इधर जितना नॉर्मल लॉस है, जितना एबनॉर्मल लॉस है, उस पर कोई कन्वर्जन कॉस्ट नहीं लगी हुई है। फिर सर फिर वो कह रहे जनाब, लॉस ऑफ ईच लीटर इज कन्वर्टेड इनटू अ सॉलिड वेस्ट ऑफ 0.8 केजी, जो 100 रुपए में बिक जाता है। प्रोसेस टू में कोई लॉस की सेल्वेज वैल्यू नहीं है, ठीक है जी। सर वो कह रहे जनाब आप मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल के दें, जे कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल के दें जे 101 और जे 1 प्लस का, 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, अकाउंटिंग एंट्रीज भी इससे मांगी है। सर सबसे पहले मैं इस सवाल का प्रोसेस वन जा रहा हूं और प्रोसेस वन में मैं बना रहा हूं क्वांटिटी शेड्यूल, ठीक है जी। सर मेरे पास प्रोसेस वन में इनपुट है कितने का भैया? सर मेरे पास इनपुट है 12,000 लीटर का, कोई ओपनिंग डब्ल्यू आई पी नहीं है। इस 12,000 लीटर में जो हमने मेन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए, जो हमने जॉइंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए, ठीक है जी, जॉइंट प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं दो, कौन कौन से? सर मेरे पास जे 101 और जे 102, इसके अलावा मेरे पास है सर एक बाय प्रोडक्ट, ठीक है जी, जो मेरे पास है बीपी 01, ठीक है जी। फिर मेरे पास सर नॉर्मल लॉस है, चेक करते जरा, मेरे पास जे 101 है 5000 यूनिट्स, सर दूसरा है मेरे पास 4500 यूनिट्स, ये 9500 हो गए। सर मेरे पास बाय प्रोडक्ट आ रहा है 1000 यूनिट्स। सर मेरे पास नॉर्मल लॉस, सर इनपुट का नॉर्मल लॉस है सर मेरे पास 10%, विच इज अपेरेंटली 12,000 का 10% वुड बी 1200। सर इसका मतलब है मेरे पास कुछ एबनॉर्मल लॉस बच रहा है, कोई 300 यूनिट्स का बैलेंसिंग चार्ज है, बैलेंसिंग फिगर है ये, और ये मेरे पास बनते हैं 12,000 यूनिट। डन। अब मैंने पहला स्टेप कर दिया, क्वांटिटी शेड्यूल बना दिया, अब मुझे चाहिए सर सेकंड स्टेप पे जॉइंट कॉस्ट। सर जॉइंट कॉस्ट में से देखें, याद रखिएगा पहले प्रोसेस में मटेरियल में से ही सारे लॉसेज हैं, सारे लॉसेज निकले ही मटेरियल के अंदर से, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे अबनॉर्मल हो। तो मैं सबसे पहले सर मटेरियल से लॉस निकाल के एलोकेट करूंगा, उसके बाद सर जो मेरे पास इफेक्टिव मटेरियल बचेगा उसमें मैं कन्वर्जन कॉस्ट डालूंगा। सर यहाँ कोई कैद नहीं है, कोई मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का चक्कर नहीं है, तो मैं सर सबसे पहले जॉइंट कॉस्ट देखने जा रहा हूं। जॉइंट कॉस्ट में मेरे पास सर पहली चीज डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है जी। अब बताएं इस डायरेक्ट मटेरियल में मेरे बच्चों मेरे पास सबसे पहली चीज क्या आ रही है? सर डायरेक्ट मटेरियल में मेरे पास मटेरियल की कॉस्ट, अगर आप सवाल में देंगे, प्रोसेस वन में 5.748 मिलियन की है,
इस महीने की कॉस्ट है ये, ठीक है जी। सर ये मेरे पास 12,000 इनपुट की कॉस्ट है सर, इसमें से मैं नॉर्मल लॉस की सेल्वेज वैल्यू हटा रहा हूं, ठीक है जी। अच्छा नॉर्मल लॉस की सेल्वेज वैल्यू है कितनी सर? सर नॉर्मल लॉस की सेल्वेज वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस मेरे पास है 1200 यूनिट्स, और सर 1200 यूनिट की सर मेरे पास सेल्वेज वैल्यू होनी चाहिए 100 रुपए पर लीटर मेरे पास सर हिसाब किताब है, 100 रुपए पर लीटर। लेकिन सर मेरे पास इस लीटर को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा केजीज में, सर मेरे पास एक यूनिट 0.8 केजीज में कन्वर्ट होगा, ठीक है जी। और फिर 0.8 केजी में कन्वर्ट होने के बाद मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा सर 100 रुपए से, तो मेरे पास सर ये कोई 96,000 रुपीज की फिगर बनती है सर। ये मटेरियल में से ही लॉस क्रिएट हुआ, मैंने मटेरियल में से इसकी सेल्वेज वैल्यू लेस कर दी, डन। अब बताएं सर इसी तरह मेरे पास बाय प्रोडक्ट सर मेरे पास 1000 यूनिट का है, और सीधा सीधा इस 1000 यूनिट को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं सर कितने से, सर मेरे पास 500 रुपए पर बाय प्रोडक्ट जो है वो एनआरवी है इसकी, ये मेरे पास सीधे सीधे 5,00,000 रुपए हो जाते हैं सर। बाकी जो मेरे पास कॉस्ट बचती है वो मुझे 1, 2 और एबनॉर्मल लॉस, तीन ब्लॉक्स को एलोकेट करनी है, तीन ब्लॉक्स को। तो मुझे एक बात बताएं मेरे पास सर जो नेट कॉस्ट बचती है, नेट मटेरियल कॉस्ट कितनी है सर वो? सर दिस इज 515,000 मेरे बच्चों। इस मटेरियल कॉस्ट के तीन कंटेंडर्स हैं, मेन प्रोडक्ट्स और एबनॉर्मल लॉस। तो सर अगर मैं यूनिट्स देखूं तो मेरे पास यूनिट्स बनते हैं कितने? 5,000, 4,500 और 3,000, ये बनते हैं 9,800 यूनिट्स। तो सर मैं काम करता हूं एबनॉर्मल लॉस को जरा खुडे लाइन लगा देता हूं, एबनॉर्मल लॉस को मैं साइड पे कर लेता हूं, ठीक है जी। एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट कितनी है सर? जरा कॉस्ट पर यूनिट निकाल लें सर इससे। सर अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा कोई 525.71। सर अगर मैं एबनॉर्मल लॉस के 300 यूनिट्स की कॉस्ट निकालूं तो 525.71 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं सर 300 से, सर मेरे पास ये वैल्यू कितनी आ रही है? सर मेरे पास ये वैल्यू आ रही है 157,714, ठीक है जी। अब इसमें से मैं बाद में स्क्रैप वैल्यू माइनस कर लूंगा, वो बाद में देख लूंगा जब मैं प्रोसेस अकाउंट बना रहा हूंगा, ठीक है जी। सर मुझे ये मिल गया सर एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू। अब बताएं सर जो मेरे पास नेट इफेक्टिव मटेरियल बचा, ठीक है जी, इफेक्टिव मटेरियल कॉस्ट फॉर J101 एंड J102 कितना बचा सर मेरे पास? सर मेरे पास बचे 9500 यूनिट्स इनटू व्हाट? इनटू 525.71, ये मेरे पास बनता है सर अराउंड कोई बनता है सर मेरे पास 4,994,286 पक्का ऐसा सर? सर मैं इसमें ऐड कर रहा हूं भैया कन्वर्जन कॉस्ट जो कि बाद में ऐड हो रही है, कन्वर्जन कॉस्ट है सर मेरे पास 2.610 मिलियन। सर मेरे पास इस J101 और J102 की टोटल जॉइंट कॉस्ट फॉर J101 एंड J102 ये मेरे पास आ रही है भैया दोनों की मिला के कॉस्ट आ रही है कोई 7,604,286, ठीक है जी। ये आ गई सर मेरे पास कॉस्ट, डन। अब अगर मैं आपसे एक काम करूं सर मुझे ये एलोकेट करना है J101 और J102 में इन द रेशियो ऑफ देयर एनआरवीज। नाउ सर आई हैव टू कैलकुलेट द एनआरवीज ऑफ दीज टू प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। एनआरवी निकालना बहुत आसान है एक प्रोडक्ट की, वो तो उसी वक्त उसी स्टेज पे बिक रहा है, दूसरे को आपने क्या करना पड़ रहा है सर? फर्दर प्रोसेस करना पड़ रहा है, ठीक है जी। तो सर एनआरवी निकालने की कोशिश करते हैं। सर मुझे बताएं सबसे पहले अगर मैं एनआरवी निकालने जाऊं, एनआरवी सर मेरे पास सबसे पहले J101 की एनआरवी, ठीक है जी। सर मुझे बताएं सेलिंग प्राइस कितनी है मेरे पास? सर सेलिंग प्राइस है मेरे पास J101 की, सवाल में दी हुई है सर, कोई 1200 रुपए है और 120 रुपए की इसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है 1200। तो सर अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है सर, तो वह आप मुझे कहोगे सर 120। अब बताएं सर मेरे पास एनआरवी कितनी है भैया? आप मुझे एनआरवी बता रहे हो सर इसकी कोई 1080।
सर अगर मैं इसी तरह एनआरवी बराबर में कैलकुलेट करने जाऊं किसकी सर प्रोडक्ट टू की या प्रोडक्ट जे 102 की, तो सर उसकी एनआरवी के लिए मुझे थोड़ी सी ख्वारी करनी पड़ेगी, उसकी एनआरवी के लिए मुझे थोड़ी सी ख्वारी करना पड़ेगी, ठीक है जी, मुझे ये एरिया मिटाना पड़ेगा। आई होप ये आप कॉपी कर चुके हैं, या कॉपी नहीं किया तो कॉपी कर लें। सर इसकी सेलिंग प्राइस है मेरे पास, कोशिश करते हैं यहीं से इसको बिठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हमें वो एरिया मिटाना पड़ेगा। सर हमारे पास सेलिंग प्राइस आती है जनाब इसमें 1400 रुपये, ठीक है जी, और सर हमारे पास फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट के लिए हमें पूरा प्रोसेस टू बनाना पड़ेगा, ठीक है जी, मैं प्रोसेस टू बना रहा हूँ जब तक आप ये कॉपी कर लें। अच्छा सर अगर हम सेकंड प्रोसेस को देखें जिसमें हमने जे 102 को प्रोसेस करना है, तो मैं उसका क्वांटिटी शेड्यूल बना देता हूं। सर देखिए मेरे पास प्रोसेस टू में जो इनपुट हुआ है वो प्रोसेस वन से हुआ है 4500 का, ठीक है जी। अब इस 4500 में प्यारा भाई मेरे पास बना है मेन प्रोडक्ट जे प्लस, कितना भैया ये बना है 3400 यूनिट, ठीक है जी। मेरे पास सर क्लोजिंग WIP मौजूद है, प्यारा भाई मेरे पास क्लोजिंग WIP मौजूद है 650 यूनिट्स का। अच्छा अगर मैं नॉर्मल लॉस देखूं तो सर मेरे पास 4500 यूनिट का 10% वुड भी 450 का नॉर्मल लॉस, और इसमें कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं, एग्जैक्ट 100% सर ये शेड्यूल बिल्कुल सेट बैठा है, नो एबनॉर्मल लॉसेस, ठीक है जी। अच्छा ये जो मेरे पास सर क्लोजिंग WIP है, ये सर विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट, विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट सर ये कंप्लीट है अराउंड कोई 70%, ठीक है जी। अच्छा इस पूरे प्रोसेस में सर जो कॉस्ट लगी है, सेकंड प्रोसेस में जो कॉस्ट लगी है, जो कॉस्ट लगी है सर वो सवाल में दी हुई है सर 1542000। अब बताएं मैंने कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, इसको मैं किससे डिवाइड करूं, 3400 मुकम्मल यूनिट्स, ईपीयू बना ले 3400 मुकम्मल यूनिट्स प्लस सर 650 का 70%, एक ही कॉस्ट एलिमेंट है सर इस डिपार्टमेंट में। बताएं सर मेरे पास ये कितना बन रहा है जनाब, फर्दर प्रोसेसिंग कितनी करनी पड़ रही है सर इसकी। सर अगर आप ये कॉस्ट पर यूनिट को अनलॉक करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये एग्जैक्ट आपके पास आएगा सर 400 रुपए, ठीक है जी। अब बताएं सर मैं यहाँ आ रहा हूँ जनाब, मैं इधर लिख रहा हूँ फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट एग्जैक्ट 400 रुपए की, सर मेरे पास NRV आती है इसकी 1000, ठीक है जी। अब बताएं सर मेरे पास दोनों NRVs आ चुकी हैं, सर मैं दोनों के यूनिट्स ले लूँ, सेलेबल यूनिट्स सर मेरे पास जो यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं ए के, वो हैं अराउंड सर कोई 5000 यूनिट्स। देखिए इसके अब मैं गलती नहीं करूंगा, अब मैं सर इसके IKF के एग्जामिनर ने इसमें 4500 रखा है, 4500 होना नहीं चाहिए बेटा इसके अंदर, जो सेलेबल यूनिट्स है ना वो होने चाहिए कितने सर 4050, क्योंकि हमें पता है कि अगले प्रोसेस से 10% का लॉस निकलेगा। आप यहाँ रखना चाहते हैं 4500, आपका सवाल नहीं कटेगा, आपका एग्जामिनर फॉलो करता है, मैंने पिछले सवाल में फॉलो कर लिया था, इस सवाल में मैंने इस तरीके से कर दिया। मुझे बताएं सर मेरे पास दोनों की NRVs क्या आ रही है, NRVs इसकी आ रही है सर मेरे पास 5.4 मिलियन, सर मेरे पास इसकी NRV आ रही है अलबत्ता 4050000, डन। अब इन NRV इसकी बेसिस पे मैंने ये ज्वाइंट कॉस्ट जो 7.6 मिलियन की है, ये मैंने सर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अगर मैं दोनों में इस रेशियो में इसको मेरा बच्चा डिस्ट्रीब्यूट करूं, तो सर देखें आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप इसको आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं यहाँ फिगर्स लिख रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा आप इसको, ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ NRVs, बोथ NRVs, सर दिस वुड गिव यू अ रिजल्ट ऑफ 4345306, और दूसरी तरफ सर मेरे पास NRV आ रही है, सॉरी ज्वाइंट कॉस्ट आ रही है 3258980, मेरे पास ज्वाइंट कॉस्ट आ गई सर, क्लियर है सर। अब मुझे एक बात बताएं, उससे आपसे पूछा है कि मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स बताएं, तो मैंने सर ज्वाइंट कॉस्ट निकाल दी है। अब अगर मैं आपसे पूछूं भैया मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है, बड़ा आसान है सर कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना। सर मेरे पास एक प्रोडक्ट है J101 एंड J प्लस, सर मुझे इसकी ज्वाइंट कॉस्ट बताने कितनी है, वोरी दी भी है सर 4345306, सर मुझे इस तरह बता दें ज्वाइंट कॉस्ट क्या है 3258980, यही है। अब बताएं सर इसी तरह मेरे पास इस पे पैकिंग कॉस्ट आ रही होगी,
सर 120 रुपए के हिसाब से अगर मैं पैकिंग कॉस्ट डालूं 5000 यूनिट पे तो 6 लाख बनते हैं, तो इसको बेचने पे ये खर्चा आएगा सर, तो मेरे पास जो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स बनेगी वो 4945, याद रखना सर पैकिंग कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट नहीं है, 4945306। अच्छा सर इस पर क्या आएगा, इस पर क्या आएगा सर, इस पर मेरे पास जो दूसरे प्रोसेस की कॉस्ट है वो कितनी कॉस्ट है सर दूसरे प्रोसेस की, सर मेरे पास दूसरे प्रोसेस की जो कॉस्ट है जो मैंने दूसरे प्रोसेस में इनकर करनी है सर वो मेरे पास है कितनी, सर वो मेरे पास जो कॉस्ट आ रही है वो 1360000 है, ठीक है जी, 1360000 ये मेरे पास सर वो कॉस्ट है जो मैंने अगले प्रोसेस में इनकर करनी है, ठीक है जी, जो इसके 4050 यूनिट्स के ऊपर लगेगी सर, ठीक है जी। सर अब ज्वाइंट कॉस्ट आ गई, अब हम एक काम कर रहे हैं सर, इस ज्वाइंट कॉस्ट को मैं डिवाइड कर रहा हूँ नंबर ऑफ यूनिट्स जो बेचने लायक यूनिट्स हैं सर, ये मैं डिवाइड कर रहा हूँ सर 5000 से, तो मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, इसको मैं डिवाइड करूंगा सर 4050 से, तो सर मेरे पास एक कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। लेकिन सर इस ज्वाइंट कॉस्ट में मैं चूंकि 5000 यूनिट्स पूरे पूरे बिक रहे हैं, तो सर मैं इसको दोबारा 5000 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास वो कॉस्ट आ जाएगी जो मैंने यूनिट्स बेचे। सर इसमें सिर्फ 3400 यूनिट बेचने लायक है, तो उसको जब मैं 3400 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मेरे पास सर वो कॉस्ट आ जाएगी जो मेरे बेचने वाले यूनिट्स की कॉस्ट है। तो अगर मैं आपसे कहूं सर मेरे पास J101 और J प्लस, सर दो चीजें सर मेरे पास जो मैंने यूनिट्स बेचे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो कितना है सर, इसके 5000 मैंने पूरे 5000 बेच दिए, तो 4345306 उसके सर 4050 यूनिट बनेंगे अदर देन लॉस, उसमें से मैं करंटली कितने बेच पा रहा हूं 3400, तो सर इसके हिसाब से कॉस्ट बन रही है 2735933, ठीक है जी। अब बताएं सर मैं इस पे पैकिंग कॉस्ट इनकर करूंगा कितने की पैकिंग कॉस्ट, सर मेरे पास पैकिंग कॉस्ट है कोई 120 रुपए की, 120 × 5000, तो सर ये तो मेरे पास सीधा सीधा 6 लाख आ जाएगा। सर इस पे क्या करूंगा मैं, सर इस पे सर मेरे पास 3400 यूनिट जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं इस पे सर 400 रुपए पर यूनिट के हिसाब से सर जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगेगी ये बनेगी अराउंड सर मेरे पास कोई 13,60,000 रुपए। तो सर जो मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो बेचने वाले यूनिट्स के, इसके 5000 यूनिट बिक रहे हैं इस साल और इसके 3400 यूनिट्स बिक रहे हैं, ठीक है जी। तो सर इन यूनिट्स की जो मेरे पास सर बिकने की कॉस्ट है, जो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ रही है सर, वो आ रही है कितने की सर, 4945306 और ये आ रही है सर मेरे पास 4095933, ठीक है जी। सर इसकी जर्नल एंट्रीज भी आप देख लीजिएगा, मैंने सारी चीज़ आपके सामने बना दी है सर, आई होप ये आपको समझ आ जाए, ठीक है जी, देख लीजिएगा, थैंक यू वेरी मच।